कृष्ण जन्माष्टमी कब है और इसका कब व्रती व्रत कर पाएंगे और क्या शुभ मुहूर्त है? पंडित मलप्पा जी का हर हर महादेव। नाम ही है कृष्ण जन्माष्टमी, अष्टमी पहले से इसमें लगा हुआ है, तो जब भी यह व्रत होगा तो अष्टमी को होगा। तो कौन सा अष्टमी? तो भादव महीना कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को ये कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था पृथ्वी पर। भगवान कृष्ण जो है विष्णु अवतार के बाद कृष्णा अवतार में जन्म लिए। ये विष्णु का ही एक अवतार है जिसे कृष्णा अवतार कहा जाता है। वैसे तो भगवान कृष्ण का जो इस बार जन्मदिन मनाया जाएगा वो 6 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि 6 तारीख को रात्रि 8:06 के बाद अष्टमी का प्रवेश हो जाता है और 7 सितंबर 2023 तक 7:59 तक अष्टमी रहेगा। तो भगवान का जो जन्म जो होगा वो 6 तारीख को ही होगा, अर्थात 6 सितंबर 2023। भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था 12 बजे के बाद इसी दिन। तो 12 बजे के रात का जब रोहिणी नक्षत्र प्रवेश हुआ था, तो 8:06 के बाद रोहिणी नक्षत्र प्रवेश होता है और मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो 12:06 के बाद जो रोहिणी नक्षत्र प्रवेश किया उसी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ। तो 6 तारीख को ही भगवान कृष्ण जी का जन्म होगा रात्रि में। जो मूर्ति का स्थापना करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, पंडित हो या कोई अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, उन्हें 6 तारीख को ही अपना उपवास रखना पड़ेगा और वो भी सुबह से ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि वह मूर्ति पूजा रात्रि में करेंगे और जन्माष्टमी का जन्म का महोत्सव मनाएंगे। और 6 तारीख को जो व्रती हैं वो 6 तारीख को व्रती नहीं मनाएंगे, वो 7 तारीख को मनाएंगे। जो स्थापना, फिर से समझ लीजिए, जो कृष्ण का मूर्ति का स्थापना कर रहे हैं, जो पंडित हो या कोई घर के गृहस्थ जीवन में जो रह करके स्थापना कर रहे हैं, मूर्ति बैठा रहे हैं, वो 6 तारीख को ही व्रत रखना शुरू कर देंगे और 7 तारीख तक उनका व्रत रहेगा। मगर जो केवल व्रती हैं, कृष्णाष्टमी का व्रत मनाते हैं, जन्मोत्सव का व्रत मनाते हैं, वो 7 तारीख को अपना व्रत मनाएंगे और दिन भर व्रत मना करके संध्या काल में या रात्रि दूसरे दिन के सुबह में वो अपना पारना करेंगे। संध्या काल में पूजा अर्चना करके सुबह दूसरे दिन पूजा पाठ करके वो अपना पारण करेंगे। अब जो है कि यह जन्मोत्सव व्रत और भगवान कृष्ण का जन्म के व्रत में लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, ये आखिर जन्मोत्सव व्रत और कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है क्या? जन्मोत्सव का व्रत का मतलब हुआ कि भगवान कृष्ण का उस समय जन्म हुआ तो जन्म का लोग व्रत मनाते हैं, जब अष्टमी का व्रत का मनाते हैं तो अष्टमी जिसका उदय उसकी वंदना, तो दूसरे दिन उदय हो रहा है अष्टमी का, तो उस दिन अष्टमी का व्रत मनाया गया, इसलिए उस दिन जो दिन भर जो है, रात भर जो है, आप जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं। अब है क्या, 8/9/2023 को आप सुबह में पारणा कीजिए। अब है क्या, ये भगवान का श्री कृष्ण का जो जन्म का जो ये है, ये 5250वां जन्मदिन इनका ये मनाया जाएगा और इसमें जो कि एक एक्चुअल नहीं है, ये लगभग में है कि 5250वां जन्मोत्सव जो है ये भगवान श्री कृष्ण जी का होगा। ऐसे कृष्ण पूजा करने के लिए भक्तों को क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह पूजा कर पाए? सबसे पहले तो आपको कृष्ण लला की जरूरत पड़ेगी, बिना कृष्ण लला का आप ये जन्मोत्सव मना ही नहीं सकते। अगर आपके पास बाल गोपाल हैं, कभी आप वृंदावन से लाए हैं, तो कल ऐसा धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाइए कि देखने वाले देखे, समाज के लोग। और इसके साथ साथ अगर किन्हीं के गाँव में कृष्ण जन्माष्टमी का मूर्ति बैठता है तो आप वहाँ पर जा करके अपना पूजा अर्चना कर सकते हैं, व्रत रह करके वहाँ पर जा करके अपना फूल बेलपत्र तुलसी दुर्वा जितने भी पूजा के सामग्री हैं, इसके साथ साथ कुछ वस्त्र ले जाएं कृष्ण लला के लिए, लड्डू ले जाएं कृष्ण लला के लिए, और जो भोग सामग्री है वो ले जाएं कृष्ण लला के लिए, और भी अगर आप ले जाना चाहते हैं तो एक पालना ले जाइए, पलना भगवान कृष्ण के यहाँ जाकर पहुँचा दीजिए, प्रभु इस पालने में मुझे आपके जैसा एक बालक चाहिए और मेरा गोद भरा है इससे, आपका आंगन हमारे यहाँ खेले।